आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। सही, तुम वहां कहां? मैं यहां सो जाती हूँ, अब बेड पर सो जाइए। वहां चेयर पे ठीक तरह से नींद नहीं आएगी, यहाँ आ जाओ। हम दोनों एक बेड पर? हाँ, बहुत जगह है, दो जन आराम से सो सकते हैं। सही, मुझे अच्छी तरह से याद है, ये शादी एक समझौता है और ये हमेशा समझौता ही रहेगी। घबराओ मत सही, मुझे मेरी हद बहुत अच्छी तरह से पता है, जो मैं कभी पार नहीं करूंगा। लेकिन विराट सर, अब भी मुझ पे भरोसा नहीं है? ठीक है, मैं इधर सो जाती हूँ। एक मिनट, अगर तुम इस तरफ ज्यादा कंफर्टेबल हो तो यहाँ सो जाओ, मैं वहां सो जाऊंगा। नहीं प्लीज। विराट सर, थैंक यू। नो एक्चुअली थैंक यू मेरी बात समझने के लिए कि काकू मेरे लिए क्या मायने रखती हैं। वैसे मैं जानता हूँ कि तुम्हारा ये बात संभालने का तरीका थोड़ा अलग है, अजीब है। अजीब? आपको मैं अजीब लगती हूँ? नहीं नहीं, अजीब नहीं, काफी अजीब। अरे तुम कब क्या बोल दो, कैसे बोल दो, किसे बोल दो, ये कौन जानता है? किसी को नहीं पता। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। कमल सर ठीक कहते थे, तुम्हारी नाक पे हमेशा गुस्सा बैठा रहता है, पर उसे कहीं ज्यादा तुम्हारे दिल में प्यार है सबके लिए। तुम ना किसी के साथ गलत करती हो, ना किसी के साथ गलत होते देख सकती हो। कमल सर में भी ये गुण थे। कमल सर एक बेहतरीन पुलिस ऑफिसर होने के साथ साथ एक सच्चे, ईमानदार और इंसाफ पसंद इंसान भी थे। I'm sorry, सही, मैं तुम्हें उदास नहीं करना चाहता था। नहीं। सही, कमल सर की आखिरी इच्छा थी कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूं, और देखो हालात ने हमें इस शादी के बंधन में बांध दिया है। आज मैं तुम्हें एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर हमारी ये शादी ना हुई होती तब भी मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेता। तरस खा के एहसान करने के लिए? नहीं सही, फर्ज के लिए, और उसी फर्ज को निभाने के लिए मैं चाहता हूँ कि बाकी तुम्हें गाइड करें, जिंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाए, तुम्हें और मैच्योर बनाए। आपको क्यों लगता है कि मैं मैच्योर नहीं हूं? मैं मैच्योर हूं। पाखी दीदी मुझे गाइड करे, ये मैं बिल्कुल नहीं चाहती। तुम्हें पाखी से प्रॉब्लम क्या है? पाखी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। आज भी जब मैंने उसे थोड़ी देर के लिए रोका, कितनी बदतमीजी से बात की तुमने उससे।
मुझे बस उसका हालचाल पूछना था, स्पेशली क्योंकि लोगों ने उससे जिस तरह से बात की थी वो, और तुमने रात के 1 बजे वो आपके कमरे में होती और कोई देख लेता तो अच्छा लगता। बाकी को भी अच्छा नहीं लगा होगा, बहुत उदास हो गई वो। और तो और सम्राट शादी के दूसरे दिन ही चला गया था। अगर आपका पाखी दीदी से बात करने का इतना ही दिल कर रहा है तो जाइए, रात भर बैठ के बातें करिए आराम से। वो देख